दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सभी को एक फ्रॉड कॉल के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रॉड कॉल भी कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा फ्रॉड कॉल नहीं, बहुत ही बड़ा फ्रॉड कॉल है। आपको मैं एक ऑडियो लास्ट में अटैच करके दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फ्रॉड कॉल। यदि आप इस पूरे फ्रॉड कॉल को अगर आप ध्यान से पूरा सुन लेते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग काफी बड़ी है, लगभग आपको आधा घंटे के आसपास का टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये आधा घंटा अपने लाइफ का इस ऑडियो मैसेज को सुन के इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फ्यूचर में आपके साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। आप लोग आधा घंटा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। एंड आप सभी लोगों से ये जो ऑडियो है हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने फॉरवर्ड करी है, उनका थैंक यू। आपके पास भी यदि कोई फ्रॉड से रिगार्डिंग कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कोई वीडियो आपके पास अवेलेबल है, प्लीज हमें nktechnical2017@gmail.com पे भेजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा मेल एड्रेस, उस पर आप हमें फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर हमें लगा कि लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। हमने चैनल का नाम रखा हुआ हिंदी एडवाइस, यहाँ पे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आने वाले हर एक जानकारी के बारे में आपको यहाँ पे शेयर करते हैं और आपको अवेयरनेस के काफी सारे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। देखिए ये जो ऑडियो मैसेज है मैंने खुद ने आधे घंटे के आसपास का, मैंने खुद ने दो बार इसको ऑडियो को सुना है और मुझे लगा कि पर्सनली ये ऑडियो आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। आप लोग इस ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें आप समझिएगा। आपने हो सकता है कि उस ऑडियो में से कुछ बातें पहले पास्ट में कहीं ना कहीं सुनी होंगी, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कुछ ऐसी बातें आपको उस ऑडियो को सुनने के बाद मिलेगी जो आपको लगेगा कि सुन के यार ऐसा भी होता है। तो यार देखिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस किस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपसे। आपको सतर्क रहना है, आपकी छोटी सी लापरवाही है वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। अगर आप लोग चाहते हो आपकी सेफ्टी रहे, आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सही सलामत रहे, आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो आपके पास रहे। देखिए आप बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहे हो और बैंक अकाउंट में बूंद बूंद करके पैसा जोड़ते रहे हो, लेकिन अगर आपकी छोटी सी लापरवाही हो गई आपसे तो सारा पैसा चले जाएगा। उसका फायदा यही है कि आप उस चीज से अवेयर रहिए। कुछ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये कैसी बीमारी है, इसका इलाज केवल और केवल किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी सेफ्टी इसका इलाज है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी ऑडियो मैसेज को सुनिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यदि पसंद आता तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे यदि नए हो और आप चाहते हो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन को दबा करके। चलिए आप पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लो, बाकी बात करते हैं अपन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। क्या सर समझ में नहीं आया सर, बोलिए थोड़ा दोबारा। हाँ बड़ी फास्ट फास्ट बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या क्या बोल गए, मुझे अभी बात कुछ समझ में नहीं आई, दोबारा बताइए ना। बिल्कुल सर मैं बताना चाहूँ, आपने हमारी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग की थी, ओके। अच्छा बिल्कुल सर, जब बताना चाहूंगा ये फ्लिपकार्ट कंपनी एक लकी ड्रॉ करा गया। अच्छा लकी ड्रॉ में आपका नाम आया था और आपके नाम से यहाँ पर इनाम ओपन हुआ है, इनाम के तौर पर टाटा की फोर व्हीलर सफारी कार लगी है, क्या आप इस कार को रिसीव करना चाहते हैं? यस कार रिसीव करेंगे सर। बिल्कुल सर आपको बता देना चाहता हूँ, इसका प्रोसेसर भी बता देता हूँ, जिससे कि ये जो कार लगी टाटा की फोर व्हीलर सफारी कार, ओके। अच्छा तो एक फ्लिपकार्ट कंपनी इस कार को रिसीव करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिया है। अच्छा अगर आप कार लेंगे तो आपको 24 से 36 घंटे के अंदर में ट्रांसपोर्ट द्वारा बुक करके आपको होम डिलीवरी देगी, ओके। अच्छा सेकेंड ऑप्शन है कार का मार्केटिंग कीमत, गाड़ी का जो मार्केट में रेट है 12,60,000 रुपया है, ओके। अच्छा अगर आप गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी का मार्केटिंग कीमत लेंगे, जिसके लिए आप जिस अकाउंट होल्डर है अकाउंट हमारी कंपनी में आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा। और अगले 15 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट से 12,60,000 का नहीं, मुझे तो कैश नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी भेज दीजिए ना आप। जी सर आपको गाड़ी चाहिए सर, मैं बता देना चाहूंगा सर, गाड़ी आपको बाई ट्रांसपोर्ट से आपको होम डिलीवरी किया जाएगा, ओके। अच्छा जी आपको ये 24 से 36 घंटे के अंदर में ट्रांसपोर्ट द्वारा बुक करके आपको होम डिलीवरी दिया जाएगा, जिससे आप झारखंड धनबाद से बात कर रहे हैं, ओके। बिल्कुल सर, तो आपको इस एड्रेस पर 24 से 36 घंटे के अंदर में ट्रांसपोर्ट द्वारा बुक करके आपको होम डिलीवरी दिया जाएगा कंपनी के माध्यम से, ओके। अच्छा और बताना चाहूंगा सर, इस कार को बुक करवाने के लिए आपको हमारी कंपनी में आधार कार्ड का नंबर या पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, ओके। अच्छा जो भी प्रूफ नंबर दिएगा सर, उस प्रूफ के सहारे कंपनी के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन पेपर, एक जनरल सर्टिफिकेट, एक विजेता प्रमाण पत्र बनेगी, ओके।
ये दोनों पेपर्स को कंप्लीट करवाने में कंपनी का कुछ चार्ज लग रहा है। अच्छा, वो चार्जेस हमारे कंपनी के चेयरमैन के अकाउंट पे आपको ऑनलाइन पे करवानी पड़ती है। जैसे ये चार्जेस आप पे करवाते हैं, उसे आपका कार यहाँ से बुक कर दिया जाएगा, 36 घंटे के अंदर में डिलीवर दिया जाएगा, 10 मिनट के अंदर में गाड़ी का डिटेल्स मैसेज किया जाएगा। जैसे ये पैसा किस अकाउंट में डालना पड़ेगा, मेरे पास अकाउंट नंबर कहाँ है? नहीं नहीं सर, आपको कंपनी का चेयरमैन, जो कंपनी का चेयरमैन है उनका अकाउंट नंबर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ओके, उन्हीं के अकाउंट के माध्यम से आपको ऑनलाइन पे करवानी पड़ती है, उसके बाद ये गाड़ी बुक कर दिया जाएगा। तो जैसे कंपनी का जो चेयरमैन है उसका किस नाम से हमको फिर पैसा डालना पड़ेगा? यहाँ कुछ स्लिप विलिप भरेंगे तो उसका नाम वाम चाहिए ना हमको? बिल्कुल सर, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। सर हमारे कंपनी का चेयरमैन अजीत कुमार है, मिस्टर अजीत कुमार है, उन्हीं का अकाउंट नंबर आपको उन्हीं का अकाउंट के माध्यम से। नहीं सर, ऐसा कीजिए ना, मैं अभी तुरंत पैसा डाल देता हूँ, आप उनके अकाउंट नंबर बोल दीजिए। ठीक है सर, आपको मैसेज कर दूंगा सर, अपना कोई प्रूफ। सर एक काम कीजिए ना, मेरे पास पेन है, मैं अकाउंट नंबर लिख लेता हूँ और उनका IFSC कोड दे दीजिए मुझे, और उनका ब्रांच दे दीजिए और उनका नाम दे दीजिए, मैं तुरंत अभी पैसा डाल देता हूँ। कितना पैसा डालना पड़ेगा इसमें? इसमें आपको बिजनेस सर्टिफिकेट का चार्ज आपको 8,900 का चार्ज आ रहा है, और अपना आधार कार्ड नंबर नोट करवा दीजिए यहाँ पर। ओके नहीं सर, वो मैं आपको सबको करवा दूंगा, लेकिन पहले आप उनका मुझे दीजिए ना अकाउंट नंबर। ठीक है सर, आपको मैं मैसेज करता हूँ आपसे। ओके, मैसेज नहीं सर, ऐसे बोल दीजिए, मैं लिख लूंगा ना। बिल्कुल सर, आप नोट कर लीजिएगा सर। हाँ बोलिए, आप नोट कर लीजिए सर, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। बोलिए सर, आप नोट कर लीजिए। अजीत कुमार, मिस्टर अजीत कुमार, मिस्टर अजीत कुमार, काउंटर नेम मिस्टर अजीत कुमार। अच्छा अच्छा जी, और आपका 380 अकाउंट हो गया, 380 थ्री एट जीरो जी 380 लिखे, नोट किया सर? हाँ 380 296 बिल्कुल सर, 9912 नोट किया सर? हाँ सर, एंड में 9 दीजिए सर, लास्ट में 9 जी। IFSC कोड सर? IFSC कोड बताता हूँ सर, SBIN 00001 6। अरे सर रुकिए, मुझे है ना मेरा कलम चलते चलते बंद हो गया, रुकिए एक मिनट सर, मैं IFSC कोड नहीं लिख पा रहा हूँ, दूसरा कलम ले दीजिए मुझे। पता नहीं ठंडा में कलम भी सर जवाब दे जाता है ना, बिल्कुल सत्ता जाम हो जाता है इस वजह से। हाँ अब बोलिए, SBIN 00001 6 4242 एंड में टू। हाँ इनका नाम क्या बताइए? आपका 00164 SBIN 00164 22। ये अकाउंट नंबर फिर से मैच करा लिए, 380 अकाउंट नंबर दोबारा मैच करवा दीजिए, 380 29 96 99 1 99 1 129 99 1। इसके बाद फिर 129 है, 99 के बाद 129 है सर, 99 के बाद 129 है। देखिए सर दोबारा मैच करा लीजिए ना, 380 0 2 9 3 8 0 3 8 0 2 9 9 6 99 1 2 9 जी 99 एंड हो गया 129। हाँ 99 हाँ 129 और इनका ना। हाँ लास्ट में कुमार है जो हमारी कंपनी का प्रेजेंट ऑफिस चेयरमैन है। क्या सर, क्या सर, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है आप मिस्टर अजीत कुमार का नाम से है जो कंपनी का चेयरमैन है। ओके अजीत कुमार जी, अजीत कुमार, आप अजीत नाम नोट करिए, AJIT KUMAR। अच्छा अजीत जी, इसमें कितना पैसा डालना पड़ेगा? सर आपको बिजनेस सर्टिफिकेट का चार्जेस आपको 8,900 आ रहा है, वही आपको पे करवाने के बाद आपका ये गाड़ी बुक किया जाएगा, और 10 मिनट में गाड़ी का डिटेल्स आपको मैसेज कर दिया जाएगा। 8,900 जी, इसके बाद आपको कोई चार्जेस नहीं आएगी, 24 से 36 घंटे के अंदर में बाई ट्रांसपोर्ट से आपको होम डिलीवरी दे दिया जाएगा। ओके अच्छा, बाई ट्रांसपोर्ट। तो सर ये पूछ रहा था मैं, जैसे इसका ट्रांसपोर्ट का जो आएगा उसका खर्चा तो कंपनी उठाएगी? बिल्कुल सर, सारा खर्च ये कंपनी उठाएगी, आपको ओनली फोर आपको इसमें आपको बिजनेस सर्टिफिकेट चार्जेस आपको लिया जा रहा है, गवर्नमेंट का लेटर बना के दिखाया जाएगा, इसके लिए लिया जा रहा है, सारा आपको कोई चार्जेस नहीं आएगी। ओके अच्छा अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार सर, मिस्टर आकाश कुमार।
आकाश कुमार सर, आप बोल कहाँ से रहे हैं? सर आपको उड़ीसा से बात किया जा रहा है, उड़ीसा हेड ब्रांच लकी डो फ्लिपकार्ट से बात किया जा रहा है। ओके उड़ीसा जी, आपका मेन स्टेट कौन सा रेजिडेंस? आपका सर वो सारा नहीं, नहीं। आपको और आगे का डिटेल्स मैसेज मैं करता हूँ। क्या नहीं, मैसेज नहीं, आप बोलते जाइए ना जी। बोलिए आपका मेन स्टेट कौन सा, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं? सर आपको बता दिया ना सर, आपको जैसे कि हमारा नहीं नहीं उड़ीसा नहीं, आपको समझ में आ रहा है? कॉल किसको किए हैं जी? बिल्कुल सर, किसको आपको पता नहीं? आपको सर आप हमारी कंपनी से आपको जो नहीं, कंपनी का बात नहीं कर रहा, आपको ये समझ में आ रहा है कि आप कॉल किसको कर रहे हैं? राजेश मीना बात कर, राजेश मीना बात कर रहे हैं। तो आप ये जानते हो मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं किस पोस्ट पे आया हूँ अभी प्रेजेंट में झारखंड में? नहीं नहीं सर पता तो नहीं है ना सर, नहीं पता है ना। अब देखिए इस एड्रेस में तुमको बताता हूँ कि मैं क्या हूँ अब। जी जी है ना, आपका एड्रेस पे यहाँ भी आपका एड्रेस है ना सर? ना मेरा एड्रेस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, आप जो मुझे आकाश कुमार IFS कोड अकाउंट नंबर आपका नाम जिस अकाउंट होल्डर का नाम जी ये तो SBI में मैं खोज लूंगा ना तुरंत जाके अभी। जी बिल्कुल सर, आप कहीं भी आप चिंता मत कीजिए, सारे डिटेल है, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल उसमें क्या है, क्योंकि उतना फोर्जरी का जो सिस्टम है ना मुझे भी समझ में आता है। आप एक काम और कर सकते हैं जी, इस कैंडिडेट की ठीक है इसकी डिटेल तो मैं निकाल लूंगा अभी बैंक जाके, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल डिटेल निकाल सकते हैं सर, अगर आपको गलत रहेगा सर तो नहीं, नहीं गलत नहीं, तुम्हारा बोलने का जो तरीका है ना जी जी, वो तुम जो हाँफ हाँफ के बोल रहे हो, डर डर के बोल रहे हो, तुमको क्या लगा? नहीं तुमको क्या लगा? एक बात पूछना था, क्यों किसी की मेहनती कमाई को इस तरह उड़ाते हो? नहीं एक मिनट, डर के बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा अगर डर के बात किया जाए तो आपसे डायरेक्टली फोन कटने नहीं सर, सुनिए बताइए ना आपसे क्या डरेंगे हम? डायरेक्टली फोन सर नहीं, देखिए आपका नाम पता नहीं आकाश कुमार है कि नहीं है, ये बोलिए कि आप बात मतलब नहीं सुन लीजिए, आपका बोलने जो आपके जो सांस फूल रहे हैं ना, सुनिए आकाश कुमार पता नहीं आपका ओरिजिनल नाम है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जो मुझे जो एड्रेस IFS कोड SBI अकाउंट होल्डर के नाम जो आप मुझे बता रहे हैं ना, जो आपका सांस फूल रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों किसी की मेहनत की कमाई हुई कमाई पैसे को क्यों उड़ाना चाहते हैं? हर दिन का काम है, नहीं वो सही बात है आपका हर दिन का काम है, लेकिन यार जिस तरह आपका परिवार है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसके भी तो है नहीं ये सब यार। आप ये बताइए, मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को अपने पेट का पैसे का जुगाड़ करके लेके जाता है, और अगर यार उसका थोड़ा सा कमाई अगर आप लोग उड़ा लीजिएगा तो बताइए उसके ऊपर क्या गुजरेगी? कुछ नहीं गुजरेगा सर, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी मेहनत करेगा। मेहनत देखिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं दादा, ये मेहनत नहीं, ये चीज है आपके पास जो दिमाग का आई, सुनिए मेरे पास आप बोलिए, इसमें भी तो हम लोग पहले तो लगत लगाते हैं इसमें भी तो नहीं, बात सही है। देखिए बात मेरा ये कहना है कि आपके पास IT की जितनी नॉलेज है उस नॉलेज से अगर आप बाहर में अगर ईमानदार से काम कीजिएगा तो जितना पैसा आप इधर से कमाते हो ना दो नंबर से, उतना पैसा तो आप वहां से भी कमा सकते हो, भले उसे कम मिलेगा लेकिन संतुष्टि के साथ कमा सकते हो ना यार। इसमें तो हम हर दिन कम से कम तो मैक्सिमम हर दिन का तो मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख का टर्नओवर होता होगा हर दिन एक पर्सनली। तो ये बताइए फिर आप लोग जो टर्नओवर जो आपका 2 से 2.5 लाख का होता है, जो आप जिस नंबर से आप कॉल करते हो, तो कभी इसको पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती है? क्या ट्रेस पड़ेगा, पुलिस वाला तो खुद भी लेता है पैसा, पुलिस वाला तो हमें खुद करवाता है, पुलिस वाला को हम खुद इतने पैसा देते हैं, पुलिस वाला भी खाता पीता है करता है। यानी वो लोग भी आपसे मिले जुले हैं? क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो करप्शन इंडिया के अंदर में करप्शन है, करप्शन को मिटा नहीं सकता है कोई, कोई ऐसा नेता तक नहीं मिटा पाएगा। नहीं वो बात सही है कि करप्शन कोई नहीं मिटा पाएगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी आपकी कि आप जो बोल रहे हो कि इसके अंदर जो पुलिस वाले हैं वो भी इन्वॉल्व है आप लोगों के साथ में, तो उनका फिर कमीशन कैसे पहुंचाते हैं आप लोग? हम लोग तो ये छोटा मोटा करते हैं सर, आजकल तो बहुत इससे भी बड़ी बड़ी स्कीम हो रहा है, ये तो छोटा मोटा हम लगे हैं कि 2 से 2.5 लाख कमा मैक्सिमम ओवर करते हैं, और लोग करते हैं जो भाई ऐसा ऐसा काम करता है ना सर कि आपको पता भी नहीं होगा, मैक्सिमम तो करोड़ों का टर्न हुआ हर दिन की एक दिन में होता हुआ। तो इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कस्टमर के साथ में फोर्जरी करना को दूसरा इससे भी बड़ा तरीका है सर, अरे अभी तो CSP चला हुआ, जैसे जियो टावर हो गया, आपको बताते हैं गैस एजेंसी हो गया,
आपके पास पतंजलि को हो गया, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चला हुआ ना कि आप भी नहीं कहेंगे, आप भी नहीं फंस, अभी आप सोच रहे कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। नहीं नहीं सही, वो देखिए आपके सामने हम लोगों की इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट का जो सिस्टम है बहुत लो में है आपके सामने, तो ये देखा जाए तो देखा जाए तो है ही है। हम लोग तो बड़े बड़े हैकर्स को रखते हैं, अपने खुद ही सिस्टम से काम करते हैं, हम लोग बैठे बैठे रहते हैं सिस्टम पे चेक करते रहते हैं किसका, अगर थोड़ा भी किसी का अकाउंट का लिंक रह गया, अगर वो बता दिया कहीं से ओटीपी का किसी भी तरह से उसको हम ले लिए, तो कितने बड़े ये वो लेकिन मार्खा दिमाग वाला होना हो उसका, मैं एक सेकंड में उसको कंगाली घोषित कर दूं। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन आप जो सिस्टम में जो हैंग करते हैं वो बिगर ओटीपी के तो नहीं कर पाएंगे कभी भी, या उसके बिगर ओटीपी का भी उसका भी तोड़ है ना, उसका भी तोड़ है ना, किसी का अगर अकाउंट हैंग करना हो तो डायरेक्ट हम लोग सेटेलाइट से कर लेते हैं ना, उसका भी तोड़ है ना। हर कोई ऐसा दुनिया में नहीं लॉक बना है जिसका कोई का तोड़ ही नहीं हो। वैसे भी ये सब काम करने के लिए जब ये सब काम ही करना है तो बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ता है, वो बात सही है। आज भी कोई जॉब नहीं मिलता है नहीं, सही बात है, वो सही बात है, वो जॉब नहीं मिला है, लेकिन आप उसको सैटेलाइट से जो उसका अकाउंट है उसको सैटेलाइट से अनलॉक करते हो, यानी कि अगर सैटेलाइट से वो सब भी करते हैं हम लोग, हम नहीं करेंगे लेकिन हमारे हमारा जो बंदा है थोड़ा हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है या उससे भी कोई और हो गया वो करेगा, पर साथ में रहना है, हेल्प करना है। अच्छा, एक दूसरे की हेल्प करके ही चलते हो इससे? इसमें कम से कम तो हम लोग जिसे करते हैं, हम लोग को ग्रुप में बता रहे हूँ आपको, मैक्सिमम तो 60 से 70 बंदे लोग आपके ना फ्री खुद ऑफिस बनाए हैं, सिर्फ एक फ्रॉड वाले ऑफिस ऐसा है जगह, मतलब ऐसा बनाते हैं जिसे आप जहाँ पर उसमें पुलिस वाला भी आएगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी काम करता है किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड से करता कोई पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वैसे भी जाने का बाहर बोर्ड मार दिया कि हाँ कोई कॉल सेंटर है, बाहर बाहर से लड़के को लाते हैं करवाते हैं करते हैं, हम लोग का कमाई हो जाता है और क्या चाहिए। तो जो बाहर से जैसे मान लीजिए आप किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं तो उसका पता आपको कैसे चलता है कि ये आईटी एक्सपर्ट है, कि इसके पास आईआईटी कितना नॉलेज है कि इस चीज आप, पे? आपको तो आप लोग खुद ही उतना तो प्रचार करते रहते ना, आप लोग यूट्यूब और फेसबुक व्हाट्सएप इतना मेल इंटरनेट से इतना तो आप लोग खुद प्रचार कर लेते अपने बारे में, मैं क्या हूँ मैं नहीं हूँ ये हूँ, अब तो फलना डिटेल्स अपना सारे डिटेल्स आपने खुद अपने इन्वॉल्व करते अपने नेट पे ही डाल लेते, तो उतना तो ढूंढना कॉमन सी एक बात, यानी कि आपको जो हम लोगों को जो डिटेल रहती है कि हम आईआईटी पास आउट है कि बीटेक पास आउट है कि एमटेक पास आउट है, ये सब चीज आपको फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर से मिलती है। आप कहीं भी अगर आप कुछ भी अगर गूगल करेंगे तो कुछ भी तुम कोई ना कोई तो बंदा ऐसा मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं अपना अपना नंबर अपना भी नंबर डाल देते हैं गूगल पे, तो भी अपना आप भी डालते होंगे, हर कोई डालता है, हर एक इंसान डालता है, जिसके पास इन्वाइट फोन होगा वो भी डालता है, तो उतना तो कॉमन सी बात है कौन क्या कर रहा है किसके पास कितना सक्षम है कितना कितना माइंडेड है, या कोई फॉल्स ही मारता था कोई फॉल्स रहता था उसको वैसे ही पता चल जाता, दो बात एक दो शब्द से बात कर ले तो पता चल गया कि पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, पास दिमाग नहीं वैसे ही फेंक रहा है इसमें तो। और हम लोग में भी ऐसा ही है, एक तो कई कई ऐसा लड़का है कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ही नहीं है लेकिन वो एक ऐसा ऐसा काम कर रहा था बिल्कुल लगेगा कि चला कितना पढ़ाई किया सबके मामले में, लेकिन उसके पास कुछ भी रास्ते तो बेसिक नॉलेज उसके पास कुछ ही नहीं है, आज तक स्कूल का पिछवाड़ा भी नहीं देखा है, वो लोग ऐसा भी कर लेता है, लेकिन हम लोग को ही ग्रुप में सर हम लोग नहीं हम लोग ज्यादा है, वो लोग थोड़ा कम रहता है लेकिन हमसे भी ज्यादा कभी कभी कर देता है, तो ऐसे ऐसा बहुत सारा है जिसके पास माइंड है बेसिक माइंड बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है ना। आप इसे बोल रहे थे हाफ रहे थे, हाफ नहीं रहे थे वैसे चल रहे थे कहीं पे जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे आप चलते चलते बात कर रहे थे, चल रहे थे कोई थोड़ा मतलब गर्मी लग रहा था धूप लग रहा था ज्यादा, तो आपको मेरा डिटेल मिला कैसे थोड़ा बता सकते हैं? डिटेल्स अपने डिटेल्स आप जब कोई भी आप छोटी सी बात है कहीं भी आप शॉपिंग करिएगा हम शॉपिंग करेंगे तो कहीं भी आप अपना डिटेल छोड़ ही देते हैं, अगर नहीं भी डिटेल अगर वो देगा तो भी उसका डेटा हैंग करके निकालते हैं डिटेल ना। नहीं, इससे पहले क्या हुआ कि मेरा फ्लिपकार्ट से पहले भी मेरा ऑर्डर बुक हुआ, पहले भी मेरे पास एसयूवी का 13 लाख ऑफर आया था, वो मुझे उसका भी मालूम है। देखिए देखिए एक कोई भी छोटी सी बात है, देखिए डेटा हैंग करना कोई भी कंपनी हो या कोई भी किसी चीज का हो, डेटा हैंग करना हम लोग को सबसे पहले हम लोग डेटा हैंग करते हैं कोई भी कंपनी का, उसका सर्वर खोल देते हैं, उसका सर्वर उसका लॉक तोड़ते हैं, हम लोग सिस्टम से लॉक तोड़ देते हैं उसका, उसका डेटा चुरा लेते हैं, मतलब कनेक्ट मतलब चोरी हुआ एक तरह से, डेटा ही चुरा लेते हैं वहाँ से। अच्छा, सिस्टम का डेटा चोरी किया जाता है? जी, इसका डेटा निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं डेटा चोरी, या तो फिर डेटा या तो फिर ऐसा हम नहीं किए तो कई कंपनी वाला है जैसे फ्लिपकार्ट का हो गया अमेजोन का कोई भी कंपनी हो, अगर हम उससे हमारा आदमी है उसके पास हम उसे या तो नहीं भी है या तो हम उसको इतना पैसा देंगे कि उसका वो डेटा चुरा हमको दे देगा, हम लोग नहीं करेंगे तो वो अपने आप देगा उसको पैसा, हर कोई भी चाहता है पैसा कमाने के लिए, उसका MD मैनेजर कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा, कोई ना कोई दिख ही जाता है, हर किसी को चाहिए पैसे,
पैसे के आगे कोई ना कोई दिख ही जाता है, चाहे वो कितना बड़ा मैनेजर हो चाहे कितनी बड़ा उसका सैलरी हो। 2 से 3, 2.5 से 3 लाख सैलरी होगा तो भी बिकेगा, उसको 10 से 20 लाख दे दिया जाएगा तो भी बिक जाएगा। अच्छा, तो जैसे आपका जो हैंकिंग का सिस्टम है जो इंडिया में है कि अदर कंट्री में भी होता है? अदर कंट्री कहीं से भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे हर जगह डिटेल्स निकाला। अगर डिटेल्स थोड़ा भी सबको क्लू दिया जब तो डिटेल्स निकालेंगे, अगर क्लू नहीं मिलेगा तो किसी आपके बारे में क्लू नहीं मिलेगा तो आपको डिटेल्स मैं कैसे निकालूंगा। ये रहेगा तो डेटा में, जैसे आप लोग शॉपिंग करते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं तो अपना जैसे एड्रेस या कुछ देते हैं तो अपना सारा चीज उसमें रहता है ना, तो उसमें डिटेल कोई जो डेटा निकाल रहा हो सारे डिटेल्स उसका निकाल जाएगा, सारा कुछ डिटेल्स निकालेगा। अच्छा, तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास में? बचने का सिंपल सी है, जिसे आप बोले हमें विश्वास नहीं है फ्रॉड है ये। अच्छा, कोई आपका नहीं लिए नहीं आप नहीं बोले इसके आगे कुछ आपका आपका अच्छा, नहीं इसके अलावा अगर कस्टमर सावधान नहीं है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बचने का? अगर आप वो पैसे जितना भी डाला जाएगा तो हमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ इसमें लाया किस भी करके लाया हमें तो उसको बहुत सारे प्रोसेस बता कर कि अगर ये चार्ज पे करवाए तो उसके बाद आगे का वो चार्ज लेना है, आगे वो चार्ज पे कर जितना गवर्नमेंट द्वारा चार्ज रहता है सारा चार्ज ले लिया जाता है। जैसे चेक ट्रांसफर करने जितना चार्जेस आता है, कभी किसी का चेक ट्रांसफर हो रहा है अगर बाय द चेक फंस जाता है तो उसमें बहुत सारा चार्जेस आता है बड़ी बड़ी चेक ट्रांसफर करवाने में। अच्छा, तो जितना चार्जेस रहता है वो गवर्नमेंट द्वारा उसको ले लिया जाता है, या तो गाड़ी जब पहुंचवाने में जितना चार्जेस आता है सबको भी कहीं से भी गाड़ी आता है या आप गाड़ी ले रहे हैं तो जितना चार्जेस आता है सारा आपका कंपनी वाला लेता है ना, उसी तरह से हम उसका सारा चार्जेस लेते हैं। उसके बाद भी वो बंदा नहीं भाग रहा, अगर वो पैसा देने के लिए तैयार है तो उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं, बहुत सारे सिस्टम है। तो जैसे आप मुझे अभी जो अकाउंट नंबर लिखवाए हैं तो इस अकाउंट का पैसा आप फिर ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं आपके अकाउंट में? ये तो किसी जैसे कि हम लोग अकाउंट हैंग कर लेते हैं, जैसे अपना आपका जैसे नेट बैंकिंग किया हुआ अकाउंट नहीं रहता तो हम लोग नेट बैंकिंग कर लेते हैं फोन से ही या तो कंप्यूटर से नेट बैंकिंग कर लेते हैं, और आपका सारा डिटेल्स हम इधर से आपका कुछ डिटेल्स दे दिए अपना ओटीपी डाले तो आपका सारा सिस्टम यहाँ से चेंज कर देते हैं। आप जब बैंक हो जाएगा तो आपको घुमा भी देगा कि आप बैंक में आपका इसमें खाता भी नहीं, क्योंकि आपका नाम और नंबर सारा चेंज कर देंगे यहीं से। यानी कि आप लोग बैंक में, एक मिनट, आप लोग बैंक में जिस कस्टमर का अकाउंट है उसका अकाउंट होल्डर ही चेंज कर दीजिएगा। एक मिनट, आपका अकाउंट है आपका, आपने ओटीपी भेज दिया उसके बाद आपको मैं नाम अपना मतलब जैसे आपका नाम आपका ही रहेगा लेकिन नंबर चेंज कर दूंगा सारा, उजर आईडी चेंज कर दूंगा, तो आपको ब्रांच वाले घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं है, सिर्फ आपका डिटेल्स वहाँ पर आधार कार्ड जो भी देकर अकाउंट खुलवाए हैं ओपन करवाए हैं उसका रहेगा, लेकिन आपका उसमें कोई वजूद नहीं है कि मेरा अकाउंट है। आपको बैंक वाला उसमें आपको मैनेजर घुसने भी नहीं देगा क्योंकि आपको उसमें खाता धारक नहीं है, कि अकाउंट ओपन मेरा हुआ। अरे आप लोग उसको हैंग करके अकाउंट को आपका अपना बना लिए, यूज हम कर रहे हैं। हाँ, ये बात होता है, उसमें भी उसमें होता है कि आपको आपके अकाउंट पर ट्रांजेक्शन करेंगे लेकिन उसमें होता है कि जैसे कि अगर अकाउंट जैसे कि ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया, मैक्सिमम 50 से 60 लाख करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन हो गया, अकाउंट बंद ना हो जाए तो उसे जैसे कि इसमें कोई भी बंदा उसमें अगर पैसा डिपॉजिट करवा दिया है तो उसको एक अकाउंट से दूसरे करंट अकाउंट में डाला जाता है, मतलब यहीं से ट्रांसफर करता है करंट अकाउंट में, वहाँ जैसे आप पैसा डाले तो इस अकाउंट से निकाल के जिसके अकाउंट से करंट अकाउंट में डाले, वहाँ एटीएम एक आता है, समझ रहे हैं बात को, एक एटीएम आता है जैसे मार्केट में बहुत सारा मिलता है, 25 मार्केट में मिलता है, जैसे बैंक वाले देता है 25,000 रुपया लिया या 1 लाख रुपया लिया एक एटीएम के पीछे, एक एटीएम के पीछे। तो जैसे जो एटीएम कस्टमर यूज करके एटीएम से निकाल लेते हैं, जो एटीएम कस्टमर यूज करता है क्या ये एटीएम मार्केट में भी अवेलेबल है 25-30 हजार में? नहीं नहीं मार्केट में नहीं, बैंक वाला ही देगा, बैंक वाला ही निकाल देगा दोबारा, बैंक वाला हमको देगा एटीएम, बैंक वाले को हम लोग पैसा देंगे, जैसे एक एटीएम के पीछे लेता है वो कुछ पैसा लेगा 50,000-25,000 जो भी उसका बनेगा वो ले लेगा, समझ गया, वो एटीएम दे देगा। तो एटीएम ऐसा देगा कि जिसमें एक पासिंग एटीएम होता है, समझ गया। अच्छा, वो एटीएम से किसी का अकाउंट में पैसा रहेगा अपने एटीएम से हम उसको अपने अकाउंट में करंट अकाउंट में डाल के मैं अपने अकाउंट से निकाल सकता हूँ, मैं कहीं भी एटीएम यूज कर सकता हूँ। अच्छा, एटीएम यानी बैंक पासिंग अकाउंट या पासिंग एटीएम भी जारी करता है, यानी आज पहली बार नॉलेज मिला है। वो लोग हम लोग खुद कर लेते हैं, सिर्फ उसे एटीएम लेना रहता है, वो लोग हम लोग खुद कर ले तो उसको तो उसका फंसने का चांस नहीं है, कभी इंक्वायरी होता होगा तुम लोगों का? वो लोग आपका आपका एड्रेस है तो आपको अगर मान लिया आपका अकाउंट जैसे अपना जैसे इसका अजीत कुमार के दिया अकाउंट, ओके, तो अजीत कुमार के अकाउंट पे दिया तो मान लिया जाए इसमें 1 लाख से 2 लाख ट्रांजेक्शन हो चुका है या तो 10 लाख हो गया है तो 20 लाख हो गया है, तो उसमें कोई कंप्लेंट करवा दिया जैसे कि आप दिए पैसा आपकी कंप्लेंट करा दी कि अजीत कुमार पर मैं इतना पैसा डाला हूँ मेरा पैसा डूब गया मेरा अपनी गलत जगह चला गया है, तो कंप्लेंट करा कर भी क्या करिए, अगर ज्यादा कंप्लेंट एक दो कंप्लेंट में अकाउंट नहीं बंद होता, आपको पता होगा कि एक दो कंप्लेंट अकाउंट नहीं बंद होता है, कम से कम 10 से 12 कंप्लेंट बंद होता है तो अकाउंट माइनस कर रहता है, बंद कर रहा है, इंक्वायरी भी आएगा तो आपके ऊपर इंक्वायरी आएगा,
हमारे पर थोड़ा इंक्वायरी आएगा, आपका एड्रेस लगा हुआ, आपका सारा प्रूफ लगा हुआ, यूज हम कर रहे हैं लेकिन आपका लग रहा है, आपको पता भी नहीं होगा कि मेरा अकाउंट यूज हो रहा है। अच्छा, अगर आपका जैसे आपको अकाउंट में पैसा भी है तो हम लोग निकालते नहीं, जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख 20 लाख भी है तो हम लोग कम से कम 10 लाख 20 लाख निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि 2 से 2.5 लाख रहेगा तो आपको निकालेंगे नहीं, आपको लगेगा भी कि नहीं अकाउंट मेरा ओटीपी कोड, आप ओटीपी भेज दिए तो जैसे कि आपको लगा कि मेरा पैसा हो सकता है निकाल लेगा, अगर नहीं निकालेंगे तो आपको लगा कि नहीं पैसा नहीं निकाला है, लेकिन आपको तो इतना लग रहा है कि पैसा हमारा नहीं निकला, हमारा अकाउंट सेफली है या कुछ भी किया होगा लेकिन हमारा अकाउंट सेफली है, लेकिन आपके अकाउंट पर काम हो रहा है, आपका पैसा छोड़ दिया होगा, आपका पैसा वैसे ही निकाल के क्या फायदा है। अगर वो 2 लाख जो मेरा पैसा आप उसको छोड़ के आपका जो पैसा निकालते रहे तो अकाउंट होल्डर को पता नहीं चलेगा कि आप पैसा निकाल रहे, आपका पैसा रहेगा, अगर बाद में आपका पैसा ले लेंगे तो हो सकता है आप फिर से उसको ओटीपी चेंज कर दिया, यूजर आईडी चेंज कर दिया, तो आप कुछ बंद कर दिए तो वहाँ जाकर बंद ब्रांच में जाकर फिर से अपना बंद करवा दिया, सारा सिस्टम बंद करवा दिए, तो हमारा जो भी पैसा रहेगा अगर 10 से 20 लाख रहेगा तो मेरा फंसा पड़ा रहेगा ना, इसलिए हम लोग निकालते नहीं उसका पैसा, वैसे आपको पैसा याद आपका पैसा वोल्ट पे छोड़ता हूँ, आप पैसा लेंगे नहीं, वो जो आगे का पैसा अगर आप 10 से 20 लाख डाल दिए हैं उसमें तो उसको मैं सारे निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप इतना सारे निकाले एक बार निकाल लेंगे तो बंद भी कर दीजिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर उतना पैसा आपके पास है, अगर 2 से 4 लाख है तो उतना छूटे भी नहीं जाने दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं रहता, तो उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा एक अकाउंट पर हम लोग को ट्रांजेक्शन करना रहता है, एक दिन में हर दिन में कम से कम 1 करोड़ रुपया 50 लाख ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उतना 4 लाख 2-4 लाख 10 लाख लिए हम लोग नहीं उसको छेड़छाड़ करते हैं। और ये भाई तो एक बात पूछना था आपसे, एक बात और, मान लीजिए जैसे अकाउंट कोई ओपन करवाता है उसमें मान लीजिए मोबाइल नंबर भी नहीं लगाता है, नेट बैंकिंग भी नहीं कराता और एटीएम भी उस पर इशू नहीं कराता, उसके बावजूद भी आप हैंग कर सकते हैं उसको? नहीं हैंग करेंगे, उसका डिटेल्स नहीं रहेगा कैसे करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे, आप जब तक ले डिटेल्स, जब तक आप ओटीपी कोड नहीं दीजिएगा जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप बता तो रहा हूँ। तो आप तो बोल रहे थे जैसे इसको सैटेलाइट से भी हैंग कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा उसमें छोटा छोटा रकम के लिए ज्यादा दिमाग लंबा चौड़ा लगाने से क्या फायदा, जैसे कि ज्यादा हमें कम ही का ट्रांजेक्शन करने का रहता है, किसी का अकाउंट उतना है नहीं बैलेंस, यहाँ 50 लाख बैलेंस है तो उसको हम सर्वर से हैंग करके निकाल, आप लोग इतना पता लगा लेते हैं कि इस अकाउंट के अंदर कितना पैसा है प्रेजेंट में बगैर ओटीपी के? पता हो जाता, बगैर ओटीपी का पता हो जाएगा, बगैर ओटीपी के भी पता हो जाएगा, और ऐसे भी अगर ओटीपी बता दिए तो आसानी होता तो हम लोग ही चेक कर लेते हैं क्या है नहीं है, लेते भी नहीं वैसे किसी भी ज्यादा रहता तो मतलब उतना नहीं ध्यान देते हैं, 10-20 हज़ार को तो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, 1-2 लाख की बात करें तो भी नहीं ध्यान देते हैं, कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए तभी जाकर उसको दिमाग लगाते हैं कि हाँ इसको देना है। यानी आपके लिए 1-2 लाख की इनकम कोई मायने नहीं रखती है? मायने नहीं, कोई मायने नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, 1-2 लाख का कोई वैल्यू ही नहीं, यानी जब अकाउंट के अंदर अगर 10 लाख से ऊपर का पैसा है तभी आप लोग उसके ऊपर दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं? हाँ ऐसे क्या उसमें 1-2 लाख लगे क्या दिमाग लगाए, जैसे आप जैसे कि आप जैसे आपसे बोला गया 8,500-900 का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं बिना सर्टिफिकेट चार्ज, जैसे पे करवाते हैं ओके, उसका आगे का दूसरा चार्ज लिया जाता आपसे क्या, आगे और चार्जेस लिया जाता मैक्सिमम आपसे, अगर जब तक आप देने से भागते नहीं जब तक आपसे हम लोग लेने, यानी वो आपका एक चैनल बना हुआ है कि कस्टमर को किस तरह से फंसाना, चैनल नहीं बना हुआ हम लोग ये गुप्त तरीका से करते हैं ना, और करते भी है जैसे कोई पुलिस वाला है तो उसको पैसा देके वापस चला, तो जैसे आप लोग जो नंबर मुझे कॉल किए हैं तो आप सैटेलाइट से कॉल कर रहे हैं कि आपका ये पर्सनल नंबर रहता है? ये पर्सनल नंबर रहता है, डी नंबर रहता है, डी मोबाइल रहता है, डी सिम रहता है, डी अकाउंट रहता है, सारा डी रहता है, इसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं रहता, इसका कोई माई बाप नहीं इस नंबर का, यानी कि नहीं नंबर माई बाप है ना इसमें रहता ना, जैसे कि हम लोग जो नंबर रेफरेंस भी लेते हैं तो मार्केट में 500-600 में उपलब्ध मिलता है हम लोग को, ऑलरेडी सिम चालू किया हुआ नंबर। अच्छा, लेकिन किसके नाम से ये आप लोग नहीं जानते हैं? नाम जानते हैं सब, पता कर लेते हैं ना हम लोग, हाँ इसके नाम से सिम, जैसे हम लोग ये सिम यूज कर रहे हैं ये उड़ीसा का नंबर है, ओके हम भी बोल रहे हैं झारखंड से, हम भी बोल रहे हैं झारखंड से ही, समझ गया, झारखंड से बोल रहे हैं, हाँ उड़ीसा नंबर उड़ीसा का है इसलिए आपको उड़ीसा का एड्रेस बताया गया, चूंकि हम भी बोल रहे हैं झारखंड से, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है काम, ये सब काम ऑल ओवर इंडिया में होता है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले आपको झारखंड में ही अभी कम मैक्सिमम 5-6 गांव में कुछ रेड मारा गया है, मतलब कि रेड मारा गया 5-6 गांव में रेड मारा गया है, चूंकि यही सब काम गया सर्वर। अच्छा, साइबर अपराध में? हाँ साइबर अपराध में मारा गया रेड। अच्छा, अभी कुछ महीना पहले मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाइएगा, हम लोग तो क्या कर लेंगे, कर मुझे तो उतना समझ में आ गया था कि कॉल फ्रॉड है, लेकिन आपसे जो जानकारी मिली बड़ी इंटरेस्टिंग है।
आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा ना, आप लोग करने के बावजूद कुछ करने चाहिएगा अभी तो हाथ पर पटक कर रह जाइएगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। सही बात है यार, क्योंकि आपको पुलिस वाला आपको कुछ करेगा नहीं, वैसे भी इंडिया के अंदर में इतना केस पेंडिंग है, छोटे मोटे केस पर कौन ध्यान देता है। अगर पकड़ा भी गए तो 420 का केस आपको पता है, 420 फ्रॉड क्या रहता है, 420 3 से 4 महीना रहेंगे चले आएंगे इस करके। और यानी आपको ये भी मालूम अगर पकड़े गए तो हम कितना दिन के लिए जेल के अंदर रहेंगे? जेल नहीं, आपको सबको पता है कि 420 का 3 से 4 महीने का सजा होता है, उससे ज्यादा सजा होता नहीं। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें होम मर्डर करके जा रहे हैं किसी का मर्डर करने के बाद। वो तो सही बात है, इसमें किसी का मर्डर करने के बाद ही नहीं। वैसे आप करते क्या? अच्छा अच्छा, आप बिजनेस करते क्या? नहीं यार, मैं कुछ नहीं करता, मैं दिन भर में है ना दूध बेचता हूँ दुकान लगा के। चलिए, तो आपका तो बिजनेस ही है ना। तो अब बिजनेस क्या, दिन भर में जैसे 10 किलो दूध खरीदता हूँ, 1 किलो दूध से मुझे 2 रुपए मिलता है। ऐसे नहीं होता ना, 1 किलो दूध को 2 रुपए कैसे मिलेगा, हम लोग दूध नहीं पीते, हम लोग दूध नहीं खरीदते हैं। नहीं तो जैसे हम लेते हैं सुधा डेयरी का दूध, तो मेरा चाय का दुकान है, चाय का दुकान है ना मेरा। वो भी अच्छा बिजनेस है, कोई भी काम करना चाहिए। अच्छा है, अब 1 किलो दूध में फिर पानी मिलाएंगे तब कस्टमर को पानी पिला पिला के मैं डाल डाल के पिलाते हैं। आप लोग गलत नहीं कर रहे हैं, आप लोग गलत नहीं कर रहे, बताइए आप लोग, हम लोग ना तो क्या करिएगा, आप लोग जैसे लोग भी तो हम लोगों के अकाउंट में निगाह रखे रखते हैं ना। अरे कोई आप इंसान बोलेगा हम गलत काम नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा कि गलत हम काम नहीं करते, गलत हर इंसान करता है, गलत के बगैर कोई आगे बढ़ा नहीं, चाहे धीरू भाई अंबानी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, गलत काम नहीं किया जब तक उस पोजिशन पहुंचा कैसे, अगर गलत काम के पहले पहुंचेगा ही नहीं। पोजिशन को हम भी हासिल कर सकते हैं अगर गलत काम और ज्यादा करें तो, लेकिन उतना दिमाग लगाते चलिए खाने पीने भरे ऐसे आदत तो काफी है। लेकिन आप बता रहे हैं कि एक दिन का आपका टर्न ओवर 2 से 2.5 लाख है, तो फिर आप... हम लोग जैसा किसी ग्रुपिंग में है ना, जैसे कि एक दिन में 50 लाख टर्न हो गया, किसी किसी दिन 2 से 2.5 लाख हो गया, किसी किसी ने आया ही नहीं, किसी किसी ने कोई दिया ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो उसमें मैनेज होता है ना, मतलब महीने का हो गया 50 से 60 लाख, तो उसमें बहुत सारे ग्रुपिंग रहते हैं, उसमें हम लोग को 50-50 जो भी बचे मिला वो भी बना। जैसे आप लोग एक आदमी को महीना में कितना इनकम हो जाता है? महीना में एक दिन में एक आदमी का मैक्सिमम तो 2 से 3 लाख का इनकम हो जाता है, उसे कभी कभी वो भी नहीं होता, कभी कभी होता है 10 से 20 हजार हुआ, कभी कभी वो भी नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है, कोई कोई महीना ऐसा जाता है कभी कभी एक रुपया भी नहीं जाता, बल्कि हम लोग को पॉकेट में ही जितना उस समय लागत लगता है, हर दिन पैनल का हर दिन पैनल जैसे मैसेज पैनल आता है, हर एक बैंक का भी पैनल मैसेज हम लोग मंगवाते हैं, बैंक वाला फोन करके हमको मैसेज देगा, पैनल अपना मैसेज देगा, वो ये लीजिए अपना मेरा मैसेज यूज करिए, वो देगा कंपनी वाला देगा मैसेज कॉल करके, हम लोग को मैसेज दे रहा हूँ आपको 10 हजार दीजिए मैसेज, मैं आपको 20 हजार मैसेज दे रहा हूँ, हम लोग 1 रुपया मैसेज पड़ता है वो लोग मैसेज खरीदने में पैनल लेने में, तो पैनल की जो पैसा लगता है, रिचार्ज का पैसा लगता है, एटीएम का पैसा लगता है, सारा कुछ का पैसा लगता है, हम लोग को सारा काटने के बाद हमको सब हिसाब से करते हैं, जोड़ने के बाद जो भी मतलब कि 2 से 2.5 लाख तो उसी में चला जाता है, तो अगर नहीं पैसा बचा तो हम लोग 2 से 2.5 लाख मेहनत मिले, समझिए। यानी कि इस लिंक में सब जुड़ा है, बैंक भी है, इसमें खर्चा होता है, जैसे कोई भी गलत काम करने में पैसा खर्चा होता है, पहले लगाएंगे तभी तो कमाएंगे, पहले लगाना है उस पर कमाना है। अच्छा, हमारे पास ऐसे आदमी और रखेंगे तो कोई जैसे और हमसे भी पार नहीं लग रहा है, तो कोई हम कंप्यूटर पर बैठा देंगे कि हाँ भाई तो हम हार ले, उसको परसेंट पर देंगे, अब उसको जितना काम किया उसका परसेंटेज निकाल के दे देंगे, जैसे 10 लाख का ट्रांजेक्शन करवा लिया तो उसमें परसेंट निकाल के दे देंगे, 10 लाख का मान लिया 2 से 2.5 लाख का उसको 20% दिया, 30% जैसे भी दिया उसको, तो 2.5 से 3 लाख उसको देंगे परसेंट पर काम करवाते ना। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात हो, आपका लाइफ तो बड़ी रिहायशी होगा यार, VIP लाइफ होगा वैसे तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब आप लोग बता रहे हैं कि कोई कोई महीना का टर्न ओवर 2.5 से 3 लाख के बीच में रहता है, जैसा रहता है सिंपल ही रहते हैं, अगर ज्यादा दिखाएंगे ज्यादा करेंगे तो हम लोग को भी तो डेड मारेगा, हम लोग भी तो पकड़ा जाएंगे, हम लोग भी कहाँ दिखाएंगे, आप लोग आपका पैसा रखते कहाँ है? हम लोग अगर अपना ज्यादा हो गया प्रॉपर्टी बना दिया, ज्यादा कुछ हो गया इसमें भी इन्वेस्ट कर दिया, कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बिजनेस डाल दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ दान पुण्य वगैरह डाल दिया, कुछ चैरिटी डाल दिया, कुछ इधर डाल दिया, मतलब कि हर कुछ करते हैं, जैसे आप लोग करते हो हम लोग भी करते हैं, दान पुण्य आप लोग बैंक में भी नहीं रखते, अपना पैसा बैंक में भी नहीं रखते हैं? बैंक में रखते हैं, बस 2 से 2.5 लाख रुपए रहेगा शरीर पे, जो कपड़ा पहनते हैं, जो सुअप करते हैं, जो करते हैं, जैसे आप लोग सिंपलिस रहते हैं, लास्ट 2 से 2.5 लाख आपका, बाकी का आपका जैसे बाहर इन्वेस्ट होता है टोटल पैसा, बाहर इन्वेस्ट कर दिया या चैरिटी डाल दिया, साहब कहीं बैंक के पैसा दानपुर में डाल दिए, जैसा कोई भी हो गया ज्यादा लाचार है उसको मदद कर दिए, ये भी करते हो? क्यों नहीं करेंगे, ये सब तो करना ही पड़ेगा, कोई भी काम करो थोड़ा ऊपर वाला रहम करम साथ ही होना चाहिए ना, अगर ये सब काम नहीं करेंगे ऊपर वाला रहम करम नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा भी नहीं ना।
हर तरह का काम करना पड़ता है ना। यानी गरीब और एहसास आदमी की भी मदद करते हो आप लोग? ज्यादा उससे कमाई हमको ज्यादा हो रहा है तो हम उसको फालतू में वेस्ट क्या करेंगे, फालतू में पैसा रखने से क्या फायदा है, उसको पैसा उतने रखो जितना काम आता है, उससे ज्यादा। नहीं, ये बात सुनकर तो अच्छा भी लगा आपका कि आप मजबूर आदमियों की भी मदद करते हो। हर किसी को मदद कर देंगे हम अपने, अगर हमें ही कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ गए तो हमको भी कोई दे देगा हमारा लोग। अच्छा, हर किसी को, हर कोई किसी का काम आता है, कोई कोई ज्यादा, कोई कोई सब पर ध्यान नहीं देता, अपना प्रॉपर्टी अपना पैसा बना रहता है, कोई कभी कभी पकड़ा भी जाता। मेरा दोस्त भी पैसा ही ज्यादा था, वो अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहा था, उसको एक बार दो बार रेड उसको मराया, दो तीन बार उसको रेड मरा चुका, और उसका सिम बार बार ट्रेस कर लेता है, कैसे भी नया सिम लेता है उसका ट्रेस कर लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, उसको बार बार उसका घर में रेड मारता है, कुछ ना कुछ उठा के ले जाता है, कभी दो चार स्कॉर्पियो ले गया तो कभी बाइक ले गया, कुछ कुछ ले, कुछ ना कुछ उसको ले जा रहा है। हम लोग ऐसा करते नहीं, हम लोग दिखाते नहीं, हम लोग सैंपल ही रहते हैं, तो हम लोग को बस उतना करते हैं कि जितना हम लोग का कमाने का जितना जी सकते हैं। हम तो पैसा पैसा थोड़ा खाएं, खाना तो हम लोग को दाल ही चावल रोटी खाना है, पैसा थोड़ा खाएं। अच्छा, वैसे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, ठीक है दादा, धन्यवाद। बहुत ज्यादा हमको भी अभी बहुत सारा भी नंबर में पड़ा हुआ इन्वेस्टिंग में, ठीक है भाई, लेकिन ठीक है भाई, कोशिश करते रहेंगे बचने की। अब यार हमसे बचिएगा, कहीं कहीं दे दीजिएगा आप, कहीं अब देखिए कोई ना कोई स्कीम दे दीजिएगा आप, कहीं पे आप जैसे कि देखते होंगे कोई बोलता है नौकरी लगा देंगे, 2 से 2.5 लाख दीजिए हम नौकरी आपको दे देंगे, फलना ढिमकाना बोलता, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नौकरी चक्कर में वो भी देता, हम लोग नहीं करते, कोई और कोई काम करता, आप कहीं ना कहीं तो दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं फंसेंगे, हम भी बोलते हैं, हम भी कहीं ना कहीं हम इतना डिलीवर हम नहीं फंसेंगे, हम भी फंसे हैं, हम भी डालते हैं, हम बहुत सारी चीजें फंस चुके हैं, हम जो कि ये काम करते हैं हम लोग भी फंस चुके हैं, सब यही सब काम में नहीं फंसे, लेकिन कहीं कहीं पर फंस जाते हैं। हम जैसे हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी बिका ही निकल गया, क्योंकि दो जगह हम लिए हम लोग को बिका ही निकल गया, हम लोग को कहीं क्लेम कर लिया, तो हम छोड़ दिए चला जाने, अब हम लोग को पता नहीं था, नहीं ध्यान दिया, पैसा था वैसे भी रजिस्ट्री करवा दिया, और उस रजिस्ट्री पर 4-5 जगह रजिस्ट्री करवा रखा, तो क्या उस पर दिमाग लगाए, पटना में ले रखे थे, झारखंड में ले रखे थे, जबलपुर में ले रखे थे, दो जगह था मेरा फंस चुका, छोड़ दिए मैं जाने तो बहन, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे उसका लंबा चौड़ा। अच्छा, अब उसमें क्या फायदा है उसका, तो कहीं ना कहीं इंसान फंसता ही है ना, हम लूट रहे हैं तो हम भी तो कहीं पर लुटा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत शरीफ हैं तो आप कहेंगे हम शरीफ हैं, कोई शरीफ नहीं है, कोई भी चाहता है कि हमें 2 पैसे की इनकम हो। खैर, वो तो है, चलिए ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। सो गाइस, जितने भी लोगों ने ये पूरा मैसेज अगर बिना स्किप के सुना होगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ ना कुछ यहां पे जरूर से सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी इस वीडियो में, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चलने वाले फ्रॉड्स हैं उनके बारे में सभी को अवेयरनेस पहुंच सके। तो गाइस, बस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो को जाते जाते आप सभी लोग लाइक कर दोगे, और अगर आपको कुछ चीज पूछनी है या कुछ डाउट है कि नहीं भैया ये तो आपने वीडियो में गलत बताया या ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं हर एक यूजर को रिप्लाई देता हूँ, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई देने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, जब तक बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।